वही आज इंदौर के छावनी सहयोगितागंज क्षेत्र में जंजर मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में निगम का बड़ा अमला भी साथ था। इसके साथ ही कोई विवाद ना हो इसके लिए पुलिस भी मौजूद थी। ये मकान भानु प्रताप का है और लगभग 50 सालों से बना हुआ था। आज निगम की टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वही रहवासियों ने आरोप लगाया कि निगम द्वारा ये कार्रवाई गलत तरह से की गई है, क्योंकि नीचे का कमरा कोई जंजर हालत में नहीं था। इसमें किराएदार निवास कर रहे थे, लेकिन निगम की टीम ने उसे भी तोड़ दिया। इस दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्षद भी विवाद करने पहुंच गए। जो आज कार्रवाई है, ये भानु प्रताप ठाकुर, सुनील परमार, 1/1 उषागंज छावनी में की गई है। यहाँ पर इनका खतरनाक मकान था जो G+2 था, और इसमें किराएदार थे। राजा वो किराएदार उनसे खाली करा करके इसको हम लोगों ने गिराया है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ जो मकान है वो भी G+1 है, और उस मकान को भी पुराने मकान को सिर्फ ठीक किया गया है। तो एक स्थिति यह थी कि उसको इस तरीके से हमें डिमोलिश करना था कि पास वाले मकान की जो से लगी हुई जो इस मकान की दीवार है उसे छोड़ना पड़ेगा। लिहाजा हम लोगों ने पहले तो JCB से काम किया, लिया JCB के बाद करने के बाद फिर उसके ऊपर का जो दूसरी और तीसरी मंजिल पीछे की तरफ की दीवारें थी उसको हम लोगों ने पॉपलैंड से मंगवाया है। इसके पीछे जो लगे हुए मकान हैं, 3 मकान, वो भी इस स्थिति में थे कि कभी भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, और तो उन मकानों को भी हमें बचाना था, इसलिए वो मकान भी हम लोगों ने खाली कराए हैं, और उसके बाद आप ये मकानों का जो डिमांड।